दोस्तों, अफगानिस्तान से हारने के बाद अफ्रीकन टीम एक और मुकाबला खेलेगी उसी ग्राउंड पे जिस ग्राउंड पे अफगानिस्तान के सामने 2-1 से ODI सीरीज इन्होंने गमाया था। ये सीरीज जो खेली जाएगी वो आयरलैंड के साथ खेली जाएगी। आयरलैंड और अफ्रीकन टीम UAE के स्टेडियम में टोटल 5 मुकाबले खेलेगी। इन 5 मुकाबले में 2 T20 आइस मुकाबले रहेंगे और 3 ODI मुकाबले रहेंगे। अफ्रीकन टीम जो कि काफी बेहतरीन टीम है, लेकिन परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं कर पाया पिछली सीरीज में जो कि अफगानिस्तान के सामने थी, लेकिन इस सीरीज में काफी अच्छा प्रदर्शन करना चाहेगी ये टीम। जिस तरह का परफॉर्मेंस की थी उस टाइप की टीम नहीं है, ये काफी बेहतरीन टीम है। आयरलैंड की टीम जो कि अफगानिस्तान टीम के आसपास ही है, अगर क्रिकेट के हिसाब से देखा जाए तो दोनों टीम में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान टीम बेटर है आयरलैंड की अपेक्षा। तो ये सीरीज काफी महत्वपूर्ण रहेगी आयरलैंड के लिए भी और अफ्रीकन टीम के लिए भी। आयरलैंड टीम भी चाहेगी कि कम से कम 5 मुकाबले में 2 मुकाबले जीत के अपनी टीम को और मजबूती दी जाए। वहीं अफ्रीकन टीम चाहेगी कि जो पुराना कॉन्फिडेंस खोया हुआ था उसको दोबारा से हासिल करने का पूरा प्रयास करेगी। तो अगर इस सीरीज की बात की जाए तो सीरीज में पहले 2 T20 आई और बाद में 3 ODI मुकाबले खेले जाएंगे। पहला T20 मुकाबला खेला जाएगा 27 सितंबर 2024 को, ये मुकाबला शाम को 9:30 पर शुरू होगा। दूसरा T20 मुकाबला खेला जाएगा 29 सितंबर 2024 को, ये मुकाबला भी रात के 9:30 पर ही स्टार्ट होगा। इसके बाद से 3 ODI की सीरीज है, तीनों ODI मैच शाम को 5:30 पर ही चालू होंगे। पहला ODI मैच खेला जाएगा 2 अक्टूबर 2024 को, दूसरा ODI मुकाबला खेला जाएगा 4 अक्टूबर 2024 को, तीसरा और आखिरी ODI मुकाबला खेला जाएगा 7 अक्टूबर 2024 को। इसकी स्ट्रीमिंग इंडिया के अंदर आपको जियो सिनेमा या फिर स्टार पे नहीं देखने को मिलेगा। इसके लिए कोई नया ब्रॉडकास्टर रहेगा, उम्मीद यही लगाई जा रही है कि सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ही इसका लाइव स्ट्रीमिंग करेगा इंडिया के अंदर। तो अगर आपको ये मुकाबला देखना है टीवी पे तो बने रहिएगा मेरे साथ में। जब भी इसके बारे में कोई नई जानकारी आएगी वो जानकारी मैं आपको बस लाके देने की जरूर कोशिश करूंगा।